जबरदस्त किस्म की फिश है मेरे पास। तो चले जी, इसको पहले मैं एक पानी से धोकर आऊं, क्योंकि इसमें इसने नमक लगाया हुआ है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर दूंगी, एक पानी से नहीं, मतलब इसको अच्छी तरह से साफ सुथरी करके लेकर आती हूँ। वॉश करके फिर हम आपको अपनी रेसिपी बताते हैं कि किस तरह बनाएंगी वो मोमा। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट्स में जवाब दें और जल्दी जल्दी शेयर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड में। तो चले जी, हम चलते हैं इसको वॉश करने के लिए। ये देखिए, हमारी फिश वॉश करके वो मोमा लेकर आ गई है और अब आपके साथ शेयर करने वाली है कि इसको किस तरह बनाना है। फ्रेश है, जबरदस्त यम्मी सी डिलीशियस है, तो इंशाल्लाह मेरे व्यूअर्स पसंद करेंगे। चलें जी, इनमें से हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या करना है, कैसे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक पॉट, ये मैंने अपने शीशे का बाउल ले लिया है और जो अपने साफ साफ पीसीज है वो मैं इस तरह करके इनको ले देती हूँ। इसको अच्छी तरह से नमक से धोएं और सिरका डाल लें, ठीक है। सिरका नमक से धोएं, अच्छा जायका आता है और गोश्त जरा इसका सेफ हो जाता है, यानी कि खिलता नहीं है। ये मैं पहले आपको अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो फिर मैं दोबारा से आपको ये छोटी सी टिप्स दे रही हूँ, इंशाल्लाह मेरे व्यूअर्स को पसंद आएगी। ये देखें, ये तमाम मैंने साफ साफ पीस ले ली है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप, हमारे पास ये फिश बिल्कुल रेडी हो गई है, सही है ना। अब हमने इसमें क्या करना है, कैसे बनाना है, वो मोमा का स्टाइल है, इंशाल्लाह मेरे व्यूअर्स को हमेशा पसंद आया है, आज फिर जरूर पसंद आने वाला है। ये देखें, नमक है, नमक हंस में जरूरत होता है। मैंने इसको नमक से धोया है और फिश वाले ने भी लगा के दिया था, तो ये एक चम्मच मैंने इसमें ले लिया है। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं नमक तो आप कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ये देखें, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, जरा बच्चों के हवाले से चटपटा लेते हैं तो अच्छा सा है। हाफ टी स्पून ले लें आप, मैंने 1 स्पून नमक लिया है इसमें। ये आप देख सकते हैं, वो मोमा की रेसिपी रेडी हो गई है, जबरदस्त रेडी होने जा रही है। चले जी, और इसी तरह मैंने 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। हल्दी फिश में इस्तेमाल करते हैं, काफी मजेदार होती है, जायका देती है और मछली में ज्यादातर हल्दी डालते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हल्दी इसमें अच्छी तरह से ले ली है। ये देखें, मैंने हल्दी इसमें अच्छी तरह से अभी लगा दी है। अभी हम मिक्स नहीं कर रहे, अभी हम इसमें तमाम चीजें डाल रख दें, फिर आपको बताएंगे कितनी देर के लिए क्या क्या करना है। ये देखें, एक अदद लीमू है, जबरदस्त सा लीमू है और इंशाल्लाह जूसी होने वाला ही है। ये जबरदस्त, ये देखें कितना जूसी है, इसके हम बीज निकाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके में ये बिस्मिल्लाह, मुबारक करे सबको खाना और सबके किचन में इसी तरह यमी यमी से फूड बने। ये आप देख सकते हैं, जबरदस्त किस्म का लोग दे रहा है और यकीन है मेरे व्यूअर्स का दिल कर रहा होगा जल्दी से हमें मिल जाए। सबर सबर, अभी जरा मछली मराहल में चल रही है। ये देखें, 1/2 मैंने और डाल दिया इसमें। ये 3 चीजें हमने इसमें डाल दी है, नमक, लीमू और हल्दी। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह।
बाबा मामा को जरूर याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम रेडी हो गया है, हल्दी नमक और लेमन इसमें लग गया है। ठीक, अब हमने क्या करना है, तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए हम उठा के रख देते हैं। अब ये देखें जी, ये वो फिश है जो बच गई है। क्यों, इसकी ये इस तरह हड्डी है, मुंह होता है ना, ये इस तरह ये हड्डी बोटी है। ये देखिए फिश इसमें लगी हुई है माशाल्लाह से, इस तरह ये तमाम ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने आप जान के बचाई है, ये इसकी टेल है, ये देखिए ये इसकी टेल है, इस तरह ये मैंने बचा ली है। वो मामा आपके साथ शेयर करेंगी इंशाल्लाह करीब जल्दी, ये जल्दी आपको बताएंगी कि इसमें हम क्या बनाएंगे। तो प्लीज इसको उठा के रख दें, इंशाल्लाह वो मामा आपके साथ शेयर करने वाली है नई रेसिपी। तो हम इसको उठा के फ्रीजर कर देते हैं। वेलकम जी, दोबारा से हम आपके पास आ गए हैं। फिश को तो हमने रख दिया 2 घंटे के लिए, अब हमने क्या करना है उसके लिए मसाला रेडी करना है। जी हाँ, जब फिश फ्राई होगी तो उसके लिए घर का ही मसाला बनाना चाहिए ना जी। तो ये देखिए मेरे पास ये स्पून है, इसके हिसाब से मैंने ले लिया है। ये हाफ स्पून मैंने अजवाइन ली है, ये आप देख सकते हैं आपको करीब से नजर आ रहा होगा, ये अजवाइन पर है, साबुत अजवाइन है। नमक हंस पे जरूरत लिया है मसाले में, मैंने आधी चमची ली है। ये साबुत धनिया भी मैंने यही आधी चम्मच लिया है। जीरा अलपत्ता मैंने 1 चम्मच लिया है, ये खाने का, ये खाने के बराबर ही है। और 2 ये इस तरह की चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, चाहे तो आप साबुत भी ले सकते हैं। तो वाह मामा शुरू कर लेंगे मसाला बनाना आपके साथ। अब हमने इसको कैसे बनाना है, इसमें एक और चीज हमने ऐड करनी है, और ये हमने हाफ स्पून से कम हमने ये सिट्रिक पाउडर लिया है। ठीक है, ये खटाई के लिए इस्तेमाल होता है, ये देखें अक्सर चीजों में डालते हैं, ये सिट्रिक पाउडर है। ओके, और हाफ टी स्पून हमने गरम मसाला पिसा हुआ लिया है। नमक, जीरा, लाल मिर्च कुटी हुई, साबुत धनिया, गरम मसाला, अजवाइन, सिट्रिक पाउडर। ठीक, चले जी, अब हमने इसको क्या करना है, अब चाहे तो आप इसको दस्ते में कूट लें, चाहे आप ग्राइंड कर लें, जो आपका दिल चाहे वो कर लें। तो मैं इसको इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, अब हम इसको कूटना शुरू करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे 2 घंटे हो गए हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं चूल्हे के पास फ्राई करने के लिए। ये देखें हमने अपनी कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, और अभी ये गीली है, इसको हमने फुल ड्राई करना है। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं ऑयल, ऑयल हम लेंगे अच्छा, क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अंदाजन अगर देखा जाए तो 2 कप तो लाजमी होगा ये। ये देखिए वाओ, जबरदस्त किस्म का ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, बिल्कुल फ्लेम हम स्लो रखेंगे। अच्छा, जिन लोगों को टेंशन होगी ना कि फिश अमूमन उछलती है, तो आप ऐसा कीजिएगा ठंडे ऑयल में भी डाल सकते हैं। हमने अपनी कढ़ाई के हिसाब से पीसेस ले लिए हैं और फ्राई होने के लिए रख दिए। चूल्हे का फ्लेम हमारा अब दरमियाना है, बिल्कुल ये आराम से ये फ्राई हो, गोल्डन इस टाइप में गोल्डन कलर आएगा तो लुक अच्छा लगता है। वो मामा की रेसिपी है, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। और चीज आपको मैं चेक करा देती हूँ, ये देखें हमने अपना मसाला जबरदस्त किस्म का रेडी कर दिया है, ये आप देख सकते हैं वाओ मामा की रेसिपी है। अब ये मसाला जब इसमें डलेगा तो कितनी जबरदस्त जायका आने वाला है इंशाल्लाह। वाओ मामा की रेसिपी एंजॉय करें और जल्दी से अपनी फैमिली के साथ शुरू करें खाना। वाओ मामा भेजेंगे आपके पास बनाने। चेंज कर दी है फिश को, पहले नीचे से फ्राई किया, आप ऊपर से फ्राई कर दी। 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम आपकी तरफ आके सर्व करेंगे।
माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, ये आप देख सकते हैं मेरी फिश का। तो वो मामा ने आपको बना के दे दिए, ये देखे। अब आपको सर्व करके बता रही है कि हमने कैसे करना है। ये मैं आपको चेक करा चुकी हूँ, मसाला है हमारा जो वो मामा ने अपने घर का बनाया है, आपके साथ शेयर किया है रेसिपी में। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम फिर आपके साथ न्यू रेसिपी में।